हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ये वीडियो लाया हूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। ये आप देख सकते हैं बियॉन का बोर्ड है, बीटी बोर्ड है जो कि यानी कि बेस ट्रेबल बोर्ड है। तो इस बोर्ड में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहली बात तो ये काफ़ी स्मॉल है, तो आप जब भी शोल्डर करोगे प्रिंटेड जो इसमें कॉपर थी वो थोड़ी सी डैमेज हो चुकी है, फिर भी ये काम करता है। इसकी पिन देख सकते हो कितनी कम स्पेस में ये कंजेस्टेड है। और दूसरी प्रॉब्लम है इसमें कि इसका मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा और क्या प्रॉब्लम है, तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप साउंड दोगे और बेस को हाई करते हो, फुल कर देते हो, तो आपकी जो साउंड है अटक अटक के रुक रुक के आती है। तो मैंने क्या किया, इसमें काफ़ी सारे पोटेंशियोमीटर बदल के भी देख लिए, क्योंकि कंपनी ने बताया मुझे कि आप बेस की पोटेंशियोमीटर को सही से आप बदल के देखिए। तो मैंने वैसे ही किया और करीब 4-5 पोटेंशियोमीटर मैंने बदल के देख लिए, सब में वही प्रॉब्लम मुझे फेस आ रहा था। तो मैं और इसमें क्या है कि आप जब भी बेस फुल करते हो तो आवाज़ आपकी अटक अटक के आनी शुरू हो जाती है, और जब आप बेस कम करते हो, वॉल्यूम बढ़ाते हो, तो ये ठीक काम करता है। ये ट्रेबल में इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 4558 IC का उपयोग किया गया है, तो IC तो मेरी जल चुकी थी। और यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली रेजिस्टेंस, जो कि कलर आपको डिफरेंस लग रही होगी, कैपेसिटर के बगल में जो रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है, उसकी जो जल चुकी थी, 100 ओम की रजिस्टर है, तो मैंने उसको चेंज किया। और IC भी इसकी जल चुकी थी। IC जलने का कारण ये था कि मैंने इसकी जो पावर सप्लाई है उसको मैंने 24 वोल्ट कर दिया था, तो इससे इसकी IC जल चुकी है। तो फिर मैंने इसको 12 वोल्ट का सप्लाई दिया, तो 12 वोल्ट पे काम करता है, लेकिन बेस बढ़ाने पे जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताया वो आपको देखने को मिलेगा। तो मैं इसके साथ ही ये वीडियो भी अटैच कर दूंगा ताकि आप देख पाओगे। और इसकी जो रेक्टिफायर ब्रिज कैसे बनानी है, ब्रिज रेक्टिफायर वो आप देख सकते हैं। अगर आप में ग्राउंड की भी रिक्वायरमेंट है आपके बोर्ड में, तो यहाँ पे देख सकते हो। इसकी भी डिटेल वीडियो अगर आप चाहते हो कि ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाएं, ताकि आप 12+, 12- और ग्राउंड का कैसे उपयोग कर सकते हो सिर्फ 12 वोल्ट से, तो वो मैं आपको डिटेल में बना के अपलोड कर दूंगा। तो बाकी इसके साथ मैं वो वाली वीडियो भी अटैच करता हूं जिसमें आपको सॉन्ग बजा के आप देख सकते हैं कि बेस बढ़ाने पे किस तरह से सॉन्ग रुक रुक के अटक अटक के आती है। अभी तक के लिए इतना ही, देखते रहिए। जिसने मेरा मैं